तो मैं आप अब अभी ना हमने जो डिस्कशन करके ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको भी पता हो, मुझे भी पता हो, जो भी इसके ऊपर काम, अब वो आप आपके साथ वो दो बच्चे और भी तो काम कर रहे हैं, क्या नाम है उनका सर? कौन? खुबैब? नहीं, वो जो क्या हमार कह रहा था कि हमार, वो कह रहा था कि वो मुझे कह रहा था कि मैं मंडे को कॉल करूंगा और सैटरडे संडे नहीं मैं आ सकता, तो उसने मंडे को कॉल करनी है मुझे। और वो दोस्त एक और होगी शहजादी नाल, आमना? हाँ, उसको मैंने कहा था कि मैं मंडे को तुम्हें बताऊंगी, पहले टॉपिक अपना वो फाइनल करी थी। टॉपिक हो गया उसका? से आया पे सर, उन दोनों ने मंडे से कॉल करना है। ठीक है, अच्छा फरवा आ गई है? जी सर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स दैट रेगुलेट न्यूमरस बायोलॉजिकल फंक्शन। अब रेक्टल ऑक्सीजन सफिशिएंट होती क्या है? ये ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें OH भी हो सकती है, ये O2 भी, H2O2 भी रॉस है, फिर O-1 ये भी रॉस है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, O2 की फॉर्म हो तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अगर ऑक्सीजन का अगर इस आपको पता है ऑक्सीजन इसका ऑक्सीजन का जो है आपकी स्ट्रक्चर क्या होती है पता है आपको? सर ये है ना ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो है आइडिया, इसके अंदर कितने इंट्रॉन और इसके इसका एटम स्ट्रक्चर? नहीं सर अब नहीं याद। ये देखिए अब ये है इसका ऑक्सीजन, इसके ना ये न्यूक्लियस है, केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूं दोबारा, ये न्यूक्लियस है जो पहला मदार होता है, या इसको पहले को क्या कहते हैं इसको आप इंग्लिश में, जो पहला सर्कल होता है, ठीक है, उसके अंदर टू असल में हमने पढ़ी हुई है उर्दू में, हम जिसको मदार कहते थे, इसको सर्कल कहते हैं, पहला सर्कल। इस पहले सर्कल के अंदर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट, पहला जो ऑर्बिट है इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसका जो दूसरा ऑर्बिट है इसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह टोटल इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस एटम के अंदर, ठीक है। अच्छा जो सेकंड सर्कल है ना उसके अंदर एक होनी चाहिए, जी सर, पहले के अंदर दो होने चाहिए, दूसरे के अंदर एक होने चाहिए, लेकिन इसमें पहले के अंदर दो है दूसरे के अंदर 6 है, इनमें इसके अंदर दो और इलेक्ट्रॉन आएंगे तब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा, जी सर। फिर इस टाइम इसके ऊपर कौन सा चार्ज है सर? नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा? क्योंकि दो नहीं है ना, तो दो बाहर से ऐड होंगे। नहीं, इसके अंदर 6 दो और टोटल का 8-10 होने चाहिए थे ना। अच्छा इसके अंदर इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं या प्रोटॉन कितने हैं? 1। इसके अंदर प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर इसके अंदर दो और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, जी सर। ये बात की समझ आ गई आपको? यस सर। लेकिन अगर इसके ऊपर इसी फॉर्म में ये न्यूट्रल होगा, ठीक है, ये चार्ज वाइज न्यूट्रल होगा लेकिन ये रिएक्शन इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, ठीक है,
अच्छा अब अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, अगर ये सेवन हो जाए, ठीक है, अगर तो ओ टू की फॉर्म में हो, फिर तो ये होता है भी ये रिएक्टिव नहीं होता। अगर तो ये है ना, इसके इधर भी एक इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तो क्या होगा कि छह इधर और ये दो आपस में शेयर करेंगे। जब ये जो शेयर करेंगे तो वो कभी दो इधर आ जाएंगे, आठ बन जाएंगे, कभी दो इधर हो जाएंगे। तो O2 का मतलब इसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, एक एटम हो और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसे हम कहते हैं O-1 और उसे मिसेड ऑक्सीजन भी कहते हैं, ठीक है, और वो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है सर, ठीक है। अगर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन दो आ जाए, अच्छा, तो इसका मतलब है ये H2O2 बन जाए, H2O बन जाएगा, ये पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, तो ठीक है। अब लेकिन एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बनेगा? अगर एक और अकेला इलेक्ट्रॉन आ जाए जी, ठीक है, और उसके अंदर प्रोटॉन ना हो तो फिर O नेगेटिव 2 हो जाएगा, तो वो भी ऑक्साइड है। अच्छा, फिर इस तरह इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, O-1, O-2, फिर H2O2। अगर तो H2O है तो फिर ये ऑक्साइड नहीं है, फिर ये अभी ये रॉस नहीं है। रॉस कब होगा? जब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसे कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। पहले तो हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़े कहीं से कि ये होती क्या है, ताकि हमें इसका अंदाजा हो कि व्हाट आर रॉस। रॉस आर केमिकल रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। ये देखें, ये इस तरह की डिफरेंट स्पीशीज होती है। ये देखिए O2, ये नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर O2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एड हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन एड हो जाए या रिमूव, अच्छा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दो O2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए तो क्या होगा? माइनस टू। अच्छा, इस तरह H2O2। अच्छा, ये सारे जो OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 माइनस वन, इस तरह ये H2O2, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ये सारे के सारे क्या है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब ये O2 है ना, इसके अंदर प्लस एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये O2 माइनस वन हो जाएंगे। अगर O2 के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आ जाए तो HO2 माइनस, ठीक है, एक हाइड्रोजन आया है। अगर एक हाइड्रोजन आ जाए तो ये भी हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये अगर 2HO प्लस H2O प्लस O2 बने तो ये भी रेडिकल है। इस तरह ये डिफरेंट तरह के रेडिकल्स की ये फॉर्म्स है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, अब इसके ऊपर जो कोई ना कोई चार्ज होता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जाकर जिस भी रेडिकल्स के ऊपर चार्ज हो ना, वो एक बम होता है, वो किसी भी मॉलिक्यूल को, उसकी स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, ठीक है। जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज हो जो किसी भी मॉलिक्यूल को जाकर, अगर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है तो फिर ये हमारे लिए अच्छी है। लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज है, जिसे रेडिकल कहते हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो इट मींस दैट ये क्या करेगी, ये तबाही कर देगी, ये प्रोटीन की शेप को तबाह कर देगी, मैक्रो मॉलिक्यूल जो है उनको तबाह कर देगी। यहां पर समझ आ गई कि, और ये रिएक्टिव, इसलिए इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है। रिएक्टिव का मतलब है कि ये ऐसे रिएक्शन के अंदर हेल्प करती हैं कि, अच्छा, जब भी रॉस प्रोड्यूस होती है ना तो एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब इंसान स्ट्रेस लेता है तो
तो रॉस प्रोड्यूस होती है। जब रॉस प्रोड्यूस होती है तो हमारे सेल्स को ये डैमेज कर देती है और इंसान बहुत जल्दी बुरा नजर आता है। तो आप ये जो क्रीमें लगाते हैं वर्तमान ई, ये जो भी है जिसके अंदर ई होता है, वो और जो ये ओ टू है ना, इसको दोबारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो वर्तमान ई या ऐसी खत्म कर देते हैं, वो आपके वैसे भी झुड़िया खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि वो रेडिकल्स खत्म कर देती है आपकी बॉडी में से और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक हो गया। अच्छा, ऑक्साइड किसे कहते हैं जो रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, यस सर। अच्छा, अब ये देखिए, ये रॉस का फंक्शन चेक करें। रॉस का फंक्शन क्या है? दे हैव मेनी फंक्शन इन प्लांट्स इन एनिमल्स। ठीक है, ये बहुत कुछ तबाह कर देती है। ये देखो ना, रॉस क्या करती है, ये कब प्रोड्यूस होती है, ये लिखा हुआ कि ये कब प्रोड्यूस होती है। अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाए, तब भी रॉस प्रोड्यूस होती है। इस तरह ये डिफरेंट प्रोसेसेस है। लेकिन ये काम करने के बाद कर क्या देख सकती है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एक्युमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, कार्डियक डिसफंक्शन, दिल को भी तबाह कर देती है, सेल डेथ भी। अपोप्टोसिस का मतलब है ये आपके सेल को भी आपके सेल डेथ काज कर देती है, जिसके वजह से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है। लिपिड की टॉक्सिसिटी कर देती है, तो डायबिटिक इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम काज करती है। अच्छा, इसलिए हमें वो खुराक खानी चाहिए जो रॉस को खत्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। मेरी बात की समझ आ रही है? हमें एक ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, उनके अंदर ना रॉस को खत्म करने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो उसमें से लाइक परऑक्सीडेज हो सकते हैं। परऑक्सीडेज क्या है? जो इन रेडिकल्स को परऑक्साइड को खत्म करते हैं, उसे परऑक्सीडेज कहेंगे। नहीं, बात की समझ आई बच्चे? जो भी परऑक्साइड कौन से है, ये वाले जो इनको खत्म करें उसे परऑक्सीडेजेस कहेंगे। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है? जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल को खत्म करें उसे हाइड्रोक्सिलेजेस कहेंगे, हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है? तो इस तरह डिफरेंट तरह के पर पाथवेज है प्लांट के अंदर, अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ रॉस एंड व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये क्यों प्रोड्यूस होती है पौधे के अंदर जब स्ट्रेस आता है? वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो सकता है, वो हीट स्ट्रेस हो सकता है, वो ड्राउट स्ट्रेस हो सकता है, वो कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। मेरी बात की समझ आ गई? इट कुड बी एनी स्ट्रेस, ये उसके दौरान ये चीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं कि इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए दे हैव सम एंजाइम्स जो कि इस स्ट्रेस को खत्म कर, ताकि स्ट्रेस जो है आया हुआ है उसको ये खत्म करने के लिए प्लांट ने भी जारा कोई ना कोई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खानी चाहिए। अच्छा, अब आप बताएं कि आपका ये जो रेस्पिरेटरी बर्स्ट, अच्छा ये जो है RBOH, ये क्या है? रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑक्सीडेज क्या करता है? फिर ये जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोड्यूस कराता है। एग्जैक्टली, ये बात आपकी ठीक हो गई। भी ये क्या करता है कि ये प्लांट के लिए एक एज ए नेगेटिव रोल के तौर पर प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? ये प्लांट के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। अच्छा, सम टाइम प्लांट नीड दिस स्पीशीज एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन आ गया? आप क्या हाल है बच्चे? शुक्र अल्लाह का सर। आप सच
चले मैं अभी फैसला कर रहा ये काम डिस्कस बाकी आप भी सीखें तो मे बी दे हैव ठीक है। अब हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम है जिसे कहते हैं RBOH। अच्छा एंड क्या ये हर वक्त रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज गलती होती है या जिस तरह भी सम टाइम वी नीड। अच्छा कभी कभार अल्लाह ताला भी ये कहता है कि सम टाइम हम आपको दुख देते हैं लेकिन अगर आप दुख में सबर कर ले तो उसके लिए भी उसके अंदर भी शफा है उसके अंदर भी आप लोगों के लिए बेहतरी है। इसी तरह ये जो रॉस है ना सम टाइम बहुत ज्यादा दुख पौधे के ऊपर आए तो रॉस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो नुकसान दे है लेकिन थोड़ा सा दुख और पौधा उसको बर्दाश्त कर ले। कहते हैं ना आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को तो दुख देना है तभी कामयाब होते हैं। हर कामयाब बंदा है उसका एक मिशन होता है कोई ऑब्जेक्टिव होता है ठीक है तो उसको अपनी बॉडी उसको अपनी नींद बर्बाद करनी पड़ती है सम टाइम उसको अपने आप को खत्म करना पड़ता है लेकिन एक मकसद को हासिल करने के लिए ठीक है। सम टाइम रॉस इज आल्सो गुड ठीक है। अच्छा इट मींस रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑक्सीडेज होमोलो मे बी ये देखो ना इज क्रूशियल फॉर राइजोबियल इंफेक्शन। अब ये उन्होंने बताया कि अगर नोड्यूल फॉर्मेशन होनी है कॉमन बीन के अंदर तो अगर आरबीओएच नहीं होगा जीन ठीक है तो ये नोड्यूल नहीं बनेंगे इस पौधे के अंदर। इट मींस इन दैट केस आरबीओएच इज गुड ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर जीन। अच्छा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेटरी बर्स्ट ऑक्सीडेज होमोलॉग रेगुलेट न्यूमरस प्लांट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग सिंबियोसिस बिटवीन लेग्यूम्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेस बैक्टीरिया। अच्छा रैपिड एंड ट्रांजिएंट रॉस प्रोडक्शन वाज रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट रूट हियर दैट आर ट्रीटेड विद नॉट फैक्टर्स इंडिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ रॉस एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर सिग्नल इन द सिंबियोसिस सिग्नलिंग पाथवे। अच्छा ये बता दिया उन्होंने कि रॉस सम टाइम इज वेरी गुड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड इन रूट हियर ठीक है। RBOH इज अ मल्टीपल जीन फैमिली। RBOH क्या है एक मल्टीपल जीन फैमिली है ठीक है। इसका एक मेंबर नहीं है ये किसी भी पौधे के अंदर इसके एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं जिस तरह अभी ये सोयाब ACS पे काम कर रहा है जो फर्मा है वो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे काम कर रही है तो वो भी इसके भी मैनी मेंबर है इस। अच्छा अब हमारा ये मकसद है कि क्या RBOH जो रॉस प्रोड्यूस रूट्स के अंदर हो रही है जो शूट के अंदर प्रोड्यूस होती है राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस होती है या किसी भी दौरान क्या ये सब हर जगह रॉस एक ही तरीके से प्रोड्यूस हो रही है या हर जगह RBOH के जीन प्रोड्यूस करने वाले इसके होमोन पैरालॉग्स में डिफरेंट है जिसका कोई और मेंबर रूट के अंदर कोई और मेंबर प्रोड्यूस करता है रॉस शूट के अंदर कोई और प्रोड्यूस कर रहा है और हर जगह डिफरेंट रॉस प्रोड्यूस हो रही है। मेरी बात की समझ आ रही है यस सर ठीक है। ये अब आपका टारगेट है। अच्छा इन्होंने क्या कहा कि ये मल्टीपल जीन मल्टी जीन फैमिली है फिर हमें पता होना चाहिए कि इसकी कितनी डोमेन है। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए कि आरएनए इंटरफेस ऑफ RBOH सुप्रेस रॉस प्रोडक्शन एंड अटेन्यूएट राइजोबियल इंफेक्शन थ्रेड ठीक है। आरएनए इंटरफेस का मतलब है कि अगर हम RBOH जीन को साइलेंस कर दें साइलेंस का मतलब है कि इसको प्रोड्यूस ना होने दें परमानेंटली तो ये कह रहे हैं कि अगर परमानेंटली लॉस ना प्रोड्यूस हो पौधे के अंदर तो ये क्या करता है कि ये एटेन्यूएट राइजोबियल इंफेक्शन थ्रेड इससे पौधे के ऊपर बीमारी आ जाती है और रिड्यूस नहीं बनते ठीक है। मींस RBOH इज गुड
if there is no RBOH, there is no nodule formation and no symbiotic interaction. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने characterize the role of NADPH oxidase in coding gene RBOH. ठीक है, इन ये इस तरह का इन्होंने प्रोड्यूस किया, ये स्टडी किया है. इसके स्पेशल टेम्पोरल एक्टिविटी, अब स्पेशल का मतलब होता है विद स्पेस, टेम्पोरल का मतलब होता है विद टाइम. फर्ज किया रूट के अंदर क्या इसका एक्सप्रेशन है, शूट के अंदर, रूट के अंदर, जाइलम के अंदर, इसे कहते हैं स्पेस. अच्छा, या इसे कहते हैं डिफरेंट जगह पे आरबीएच का एक्सप्रेशन. एक दूसरा है टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब रूट के अंदर ही, जब रूट बिल्कुल स्मॉल है तब क्या कितना एक्सप्रेशन है, जब रूट थोड़ी सी बड़ी होगी, रूट हेयर्स बन गए तब इसका क्या एक्सप्रेशन है, जब इसके ऊपर किसी चीज का अटैक हुआ है तब इसके ऊपर अटैक होने के 15 दिन बाद, अटैक होने के 20 दिन बाद, क्या इसे टाइम, अगर टाइम के साथ एक्सप्रेशन चेक किया जाए उसे कहते हैं टेम्पोरल एक्टिविटी या टेम्पोरल जीन एक्सप्रेशन. ठीक हो गया. ओके सर, यस. इन्होंने सब सेलुलर लोकलाइजेशन भी स्टडी किया है कि ये कहां पर. अच्छा, ये नॉर्मली आरबीओएच जो है वो लोकलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को. ठीक है, देखिए बनने के बाद वहां पर होती है, फिर इस मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इस तरह आपको ये समझ आ गई कि आरबीओएच का फंक्शन क्या है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि इसकी डिफरेंट प्लांट्स के अंदर आपके कितने आए हैं आरबीएच. सर पोटैटो में तो 3 ही आए थे. अच्छा, मतलब टोटल मेरे 30 सीक्वेंस थे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, हर एक के अंदर डिफरेंट थे. जी सर. सबसे ज्यादा किसके अंदर है, मोस्टली 7 थे, किसी में 8 थे और पोटैटो में 3 ही थे. वेरी गुड, इट मींस इसकी कोई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है. ठीक हो गया. जी सर. अब आपने मुझे अच्छा इन लेग्यूम्स, अच्छा तो इसके मेंबर कम है, हर प्लांट के अंदर इसके मेंबर कम है. ठीक है, लेकिन ये इन्होंने, लेकिन सर इसमें जैसे इन्होंने बताया ना कि इसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, तो उसमें तो इस तरह नहीं शो हो रहा था. वो हम लिखेंगे इसका ना. अब आप, मैं बताता हूँ, मैं अब आपकी ना, अच्छा ये लिखे. अब आपने क्या करना है, आपने अरेबिडोप्सिस के पेपर पढ़ा है, जिसके अरेबिडोप्सिस ने डाउनलोड किए ना. जी सर. तो अरेबिडोप्सिस का पेपर भी पढ़ा है जिसके अंदर RBOH जीन की डाइवर्सिटी चेक की हुई है. नहीं सर, पेपर कोई भी नहीं मैंने पढ़ा, तरह सिर्फ वही पढ़ा था जो आपने भेजा था. मैं तेन हर जगह तेन लैके जाना, बंदा खुद भी कुछ स्टडी कर लेता है. कुछ बच्चे हैं जिस तरह, ये माशाल्लाह मैं कुबैल को ना थोड़ी सी हिंट देता हूँ तो ये मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट बना के भेज देता है. तो अपना अंदर थोड़ा सा वो देखे के मैंने राइटअप स्टार्ट नहीं किया था ना, इसलिए फिर मैंने पढ़ा. लेकिन रिसर्च के लिए आपको पहले राइटअप, पहले तो रिव्यू लिखना होता है, बाद में रिसर्च करनी होती है. आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों कर रही है काम. ठीक है, तो ये देखो उन्होंने इसके अंदर बताया होगा इसकी डिफरेंट डोमेन्स क्या है. अच्छा, ये है RBOH, ये CCRBOH, ये CMRBOH 1 2 जो भी है, इसके अंदर ये डोमेन होनी चाहिए TM2. ये रीजन आपको ना याद होने चाहिए कि डिफरेंट जो FAD है ना, ये रीजन होना चाहिए इसके अंदर, जिसकी सीक्वेंस क्या है FTLSA, ये आपके सीक्वेंसेस के अंदर ये सारे रीजन होने चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो इसकी डिफरेंट, इसकी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स कितनी है. ठीक है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे हुई हुई है. अब ये देखें, ये एक है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये डिफरेंट एनिमल्स के साथ इसका कंपैरिजन किया हुआ है, रेड एल्गी के साथ किया हुआ है,
और प्लांट्स का ओराइजा सेटिवा और एबिडोप्सिस थैलियाना सोलेनम ट्यूबरोसम तो आपने ये ना एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा अब रैबिडोप्सिस के अंदर कौन सा है, अच्छा चलिए अभी आपका वाला पेपर देखते हैं क्या किया हुआ, क्या दही की मिठा पाया तो। अच्छा आपने का पेपर अच्छा, जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ RBOH जीन फैमिली ऑफ पोटैटो एंड इट्स कंपैरेटिव एनालिसिस विद रैबिडोप्सिस एंड अदर प्लांट्स, ये बहुत अच्छा दिया था भाई, ये टाइटल अच्छा है, ठीक है। अच्छा और आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं लिखा अभी तक, जी सर अभी नहीं लिखा सर, ये सिर्फ एनालिसिस वाली फाइल है। अच्छा reference protein sequence of Arabidopsis thaliana is downloaded from, आपने phytosome से डाउनलोड की थी या ये NCBI से की थी? सिर्फ phytosome से। इसके reference sequence protein कौन सी थी, उसका accession number क्या था? सर Arabidopsis का जो आपने जिसको use किया था blast के तौर पे, तो नीचे table में लिखा होगा, तो वो इसका ना रेफरेंस जो सीक्वेंस है ना वो इधर आपने उसका रेफरेंस जो है ना एक्सेशन नंबर जो है ना वो लिखे इसका एनसीबीआई का या जो भी है कहां से लिया था आपने वो इधर आपने ऐड करना है, इज डाउनलोडेड फॉर द फाइटोसोम वेबसाइट्स, फिर ठीक है जो भी अगर फाइटोसोम से डाउनलोड किया है या एनसीबीआई से, जो भी जहां से भी आपने डाउनलोड किया, मुझे लगता है कि आपने एनसीबीआई से किया था। नहीं सर मैंने फाइटोसोम से किया। आपने फाइटोसोम से लिया था, ठीक हो गया। अच्छा पोटैटो RBOH जीन वर आइडेंटिफाइड इन द पोटैटो जीनोम डेटाबेस यूजिंग द अच्छा आपने ये डोमेन्स ली थी, ये अकेली के लिए डोमेन ली थी, सारे का सारा सीक्वेंस ऐड किया था सर? अकेले अकेले की थी वो PFAM पे जाके, पहले PFAM पे भी की थी, उसके बाद जो आपने जैसे बताई थी ना NCBI CDD से वहां से भी की थी। अच्छा चले आपका हर लिहाज से आपने की। अच्छा सब्सिक्वेंटली द प्रोटीन जीन एंड वर्चुअल CDNA सीक्वेंस एंड CDS सीक्वेंसेस बाय डाउनलोड आर ड्राइव फ्रॉम द पोटैटोटम एज पर द इंट्रोडक्टरी जीन मैनुअल रीएनोटेशन वाज परफॉर्मड, दी रीएनोटेशन वाज फर्दर मैनुअली एनालाइज्ड टू सपोर्ट द फाइंडिंग ऑफ ये सारी डोमेन्स, ठीक हो गया, यूजिंग स्कैन प्रोसाइट, ये आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, एक्सीलेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की आपने, ठीक है, और फुल अमीनो एसिड्स ऑफ STRBOH प्रोटीन पर परफॉर्म बाय यूजिंग मेगा एक्स है, अब अपडेटेड वर्जन है, और यहाँ भी रेफरेंस अपडेटेड ऐड करें, ठीक है सर, आपको मेगा एक्स से मिल जाएगा, उसको फिर आप एंड्रॉइड से क्लास कर लीजिएगा, ठीक है सर। एंड अनरिटर्न ये यहाँ भी आपने मेगा एक्स लिखना है, ठीक है, मेगा एक्स यूजिंग द नेबर ज्वाइनिंग मेथड, ठीक हो गया, इधर नेबर ज्वाइनिंग मेथड का भी रेफरेंस ऐड करें, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसटी पर कैसे ऐड करेंगे आप, आप ये देखे ना, आप जाए एक मिनट आप एंड नोट यूज किया ना? जी सर ये एंड नोट है ना, इवन आप इंटरनेट पे जाके नेबर ज्वाइनिंग मेथड लिखें, ठीक है,
तो कोई ना कोई रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा जहाँ पर लेबर ज्वाइनिंग मेथड के बारे में लिखा होगा। ये देखिए, ये मुझे लगता है न्यू मेथड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये है, अच्छा इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये इसका ये जो टाइटल है ना, इसको हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर लेबर ज्वाइनिंग मेथड के बारे में है, तो इसको हम ऑनलाइन में जाएंगे, ऑनलाइन में पबमेड में जाएंगे। यहाँ पर हम ऑल फील्ड करके और यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। हमें सिर्फ वो चाहिए जो यहाँ पर रेफरेंस किया, उसमें ये इसका नाम लिख देंगे NC2, ठीक है। ये लिखते 1987, ये 1987 का है, तो हम इधर लिख देते हैं, ये लिखा हुआ 1987, तो हमारे पास वो स्पेसिफिक आ जाएगा, सिर्फ दो रेफरेंस आए हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे, अब ये भी नेवर ज्वाइनिंग है और ये एवोल्यूशन भी इन्होंने यूज किया हुआ है नेवर ज्वाइनिंग के लिए, मतलब इसके अंदर जा रहा नेबर ज्वाइनिंग इन्होंने यूज किया होगा, ठीक है। चाहे ये दोनों एक, बल्कि मैंने सीतो वाला ही है, इसको कॉपी करें या कट कर ले, इसको ना लोकल लाइब्रेरी मोड में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। आप यहां से कॉपी करके आपने अपने फोल्डर के अंदर इधर पेस्ट कर देना है, लेकिन जहां आपको ये अपने अपने उसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक हो गया, ठीक है सर, वहां से ऐड करना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाज एनालाइज्ड यूजिंग प्रोटोप्रैम टूल, इसका भी ये देखो इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। कोशिश करेंगे ये वाला रेफरेंस भी हो जब से ये स्टार्ट हुआ है, और कोशिश करें कि लेटेस्ट रेफरेंस भी हो, ठीक है सर, जो आजकल लोगों ने लेटेस्ट उसको यूज किया है, ठीक है। अच्छा, एक्सॉन इंट्रॉन स्ट्रक्चर वाज वाज इन्फर्ड यूजिंग, आपने वो ही यूज किया GSDS, सर वो भी किया, ये भी किया, दोनों किए थे। अब आपका जो फाइनल ये वाला है GSDS, जी सर इससे किया है, वो जो इसमें टेबल किया ना GSDS वाला ही करना है आपने, ठीक है सर। यही वाला किया, वो यहाँ पे चेंज करना याद नहीं रहा, वो कॉपी करें इसको। अब आपने यही लिखना है कि यूजिंग GSDS, ठीक है, इंट्रॉन एग्जाम वाज इन्फर्ड बाय यूजिंग द प्यूटेटिव CDS एंड DNA सीक्वेंसिंग वाज इन्फर्ड बाय कंपेयरिंग देम यूजिंग जीनोमिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले स्ट्रक्चरल डिस्प्ले सर्वर, ठीक है, साथ में इसका वेबसाइट का लिंक और साथ में यहाँ पर इसका रेफरेंस आपको मिलता है, ये तो आपने वो लिख देना है, ठीक है। रेफरेंस के बगैर लाइव कुछ नहीं है। ऑन द प्रोटोकॉल्स वाज आइडेंटिफाइड बाय जीन नेम, ठीक है, द पोजीशन वाज आइडेंटिफाइड बाय जीन नेम, ठीक हो गया। तो भी मैंने किया नहीं। अच्छा, पोजीशन ऑफ STR2 ओवर जीन वाज ऑन द पोटैटो जीन वाज आल्सो मैप्ड, ठीक है, वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एंड मैप्ड, बट आल्सो आइडेंटिफाइड, बस ठीक है, एंड एंड क्रोमोसोम मैप वाज was also created and each gene indicated by ST आपका है STRBO genes,
आपने दूसरे दूसरों का भी करना है ना जी सर, सबका लिखे इसमें। ठीक है सर, ठीक है, जहां पर वो सबका लिखे, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन आप कंजर्व मॉर्फोस रिड्यूस प्रोटीन सीक्वेंसेस आप आरपीओ और जीन वाज एनालाइज भाई, ठीक हो गया। एंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो सेट वाज 25, या द मिनिमम वेट ऑफ 6 एंड मैक्सिमम सेट अलोंग विद द फैक्टर्स एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक हो गया, ये भी सही हो गया आपका। अच्छा, एंड उसके बाद फिर आपने ना इसको सर इसका वो टीवी टूल का भी रेफरेंस ऐड कर दो, वो टीवी टूल भी आपने ऐड करना है, ठीक है। ठीक है सर, मोटर वाइज डिस्प्लेड ऑन इस तरह करके प्लेड एंड डिस्प्लेड, ठीक है, एंड डिस्प्लेड इसके बाद लिखें या अच्छा अच्छा सर, वो 25 वाला भी किया और 3 वाला भी किया, तो वो दोनों ऐड कर दूं ना इसमें? हाँ, दोनों लिख दो, एंड डिस्प्लेड बाय, नहीं एक ही कर दे, दोनों करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कर ले, 25 वाला कर ले। ठीक है सर, डिस्प्लेड यूजिंग टीवी टूल्स, ठीक है, और इसका आगे रेफरेंस। अच्छा, फिर आपने न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल भी मालूम किए, न्यूक्लियर एंड सब, इसको कट्ठा ही कर ले, एंड सब सेलुलर, ताकि इतनी ज्यादा हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकलाइजेशन सिग्नल, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स आप आरबीओ बस एनालाइज बाय यूजिंग इसका वेबसाइट का रेफरेंस लिंक, ठीक है, एंड रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, एंड प्रिडिक्शन, अच्छा ये इसको साथ मिला देना, तो भाई अभी मैं कर रहा हूं ना तो ये बाद में आ जाएगा। प्रिडिक्शन ऑफ सब सेलुलर लाइजेशन वाज एनालाइज्ड बाय वॉटफोर्ड, इसका भी रेफरेंस और लिंक। ठीक है, all the aquagene was present in the cell and they are also located in other site as ठीक है, ये है आपका results, ठीक है, इसको आप results में लेके जाए, मेरी बात की समझ आ गई?